किसी ने बड़े कमाल की बात कही, चेहरा क्रीम से नहीं काबिल से चमकाई, इसलिए दुनिया में कुछ बनना है तो काबिल हो। हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 इतिहास चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, रूस में केसर दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर क 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ग 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर घ 1864 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन नंबर क पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर ख पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर ग रूस का सामान, ऑप्शन नंबर घ रूस का सम्राट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर क इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ख जर्मनी, ऑप्शन नंबर ग इटली, ऑप्शन नंबर घ रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ख लेनिन, ऑप्शन नंबर ग बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर घ गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर क रूस, ऑप्शन नंबर ख जापान, ऑप्शन नंबर ग चीन, ऑप्शन नंबर घ क्यूबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर क लुई वाला, ऑप्शन नंबर ख सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर ग कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर घ रॉबर्ट ओवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है क कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ख टॉलस्टॉय, ऑप्शन ग दस्तोवस्को, ऑप्शन घ एंजल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर क फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर ख नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर ग अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर घ 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर क कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ख स्टालिन, ऑप्शन नंबर घ ट्रास्की, ऑप्शन नंबर घ क्रेंसकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग ट्रास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर क 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ग 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर घ 1924 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1924 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर क है रूस और इटली, ऑप्शन नंबर ख रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर घ रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर घ रूस और जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ रूस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क 5 मई 1818, ऑप्शन नंबर ख 5 मई 1919, ऑप्शन नंबर ग 5 मई 1819, ऑप्शन नंबर घ 5 मई 1918। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 5 मई 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स के पिताजी का क्या नाम था?
ऑप्शन नंबर क डेविड मार्क्स, ऑप्शन नंबर ख हेनरिक मार्क्स, ऑप्शन नंबर ग फ्रेडरिक मार्क्स, ऑप्शन नंबर घ हैरिक मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हेनरिक मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ? ऑप्शन नंबर क 1843 में, ऑप्शन नंबर ख 1844 में, ऑप्शन नंबर ग 1842 में, ऑप्शन नंबर घ 1848 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1843 में। और कार्ल मार्क्स के बचपन के मित्र जेनी से ही कार्ल मार्क्स का विवाह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर क समाजवादियों का बाइबिल, ऑप्शन नंबर ख उपन्यास, ऑप्शन नंबर ग कहानी, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क समाजवादियों का बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर क 5 मई, ऑप्शन नंबर ख 1 मई, ऑप्शन नंबर ग 8 मई, ऑप्शन नंबर घ 3 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर क 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ख 5 मार्च, ऑप्शन नंबर ग 2 मार्च, ऑप्शन नंबर घ 21 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर क 1953 में, ऑप्शन नंबर ख 1991 में, ऑप्शन नंबर ग 1954 में, ऑप्शन नंबर घ 1955 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर क जार निकोलस प्रथम, ऑप्शन नंबर ख जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर ग नेपोलियन, ऑप्शन नंबर घ कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन क बिस्मार्क, ऑप्शन ख लेनिन, ऑप्शन ग कार्ल मार्क्स, ऑप्शन घ गांधी जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर क 1920, ऑप्शन नंबर ख 1922, ऑप्शन नंबर ग 1921, ऑप्शन नंबर घ 1923। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर क रूस, ऑप्शन नंबर ख इटली, ऑप्शन नंबर ग फ्रांस, ऑप्शन नंबर घ ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर क टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर ख कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ग मेजनी, ऑप्शन नंबर घ लेनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन नंबर क जापान, ऑप्शन नंबर ख रूस, ऑप्शन नंबर ग किसी की नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर क 1870, ऑप्शन नंबर ख 1871, ऑप्शन नंबर ग 1872, ऑप्शन नंबर घ 1869। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1870। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आप देखेंगे घटना और तिथि, इसमें ऑप्शन नहीं है, केवल घटना है और उसका तिथि है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है कि ब्रिटेन में फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1819 ईस्वी में। दूसरा है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1827 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1848 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, इसका आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है छः नंबर, चार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। सात नंबर क्वेश्चन है, इसकी सोशल रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्लेखानोव द्वारा स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में। आठ नंबर क्वेश्चन है, पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। नौ नंबर क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में। दस नंबर क्वेश्चन है, फरवरी क्रांति अक्टूबर की क्रांति कब हुई, ये दो को क्रांति है लेकिन सन एक ही है, एक ही सन में हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई, ये क्वेश्चन में भी एक बार पढ़ चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन द्वारा मास्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, रूस में सामूहिक कृषि फार्म की स्थापना कब हुई, इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मिखाइल गोरबाचोव कब राष्ट्रपति बने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में।